हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बायस के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन शॉर्ट एप्लीकेशन से वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। वैसे तो इन शॉर्ट एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, या फिर रील वीडियो बनाने के लिए, या फिर स्टेटस वीडियो बनाने के लिए। पर आप इस एप्लीकेशन के मदद से आप यूट्यूब के लिए भी वीडियो एडिट कर सकते हो, और बहुत ही आसान है इन शॉर्ट से वीडियो एडिटिंग करना। तो मैं आपको बताऊंगा इन शॉर्ट से वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो इन शॉर्ट को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इन शॉर्ट को जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, वीडियो एडिट करने का और फोटो एडिट करने का। एक है कोलैब करने वाला, तो उसको खैर हम लोग छोड़ते हैं। अब यहाँ पर अगर फोटो एडिट करना चाहते हो तो फोटो एडिट वाले सेक्शन में जाना। अब जहाँ जहाँ मैं टच करूँगा वहाँ वहाँ बबल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वीडियो एडिट। तो वीडियो एडिट पर हम टच करेंगे। यहाँ पर जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको वीडियो एडिट पर करना है और न्यू वाले फोल्डर पर आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जितने सारे आपके फ़ोन में वीडियो होगा सारे के सारे दिखाई देगा। अब यहाँ पे टच करोगे तो फोटो दिखाई देगा, और यहाँ पे टच करोगे तो दोनों चीज़ दिखाई देगा, वीडियो फोटो दोनों, है ना। तो आप अगर वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वीडियो वाले सेक्शन में रहोगे, और आपको सेलेक्ट करना है उस वीडियो को जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो इस पर मैं टच करूँगा। आप जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर राइट चिन्ह आएगा, और यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। अगर आप एक वीडियो में बहुत सारे वीडियो को एडिट करना चाहते हो यानी जोड़ना चाहते हो, तो जैसे हमने इस पर टच किया वैसे इस पर आप इस पर ऐसे करके टच कर सकते हो, और यहाँ पे राइट चिन्ह टच कर सकते हो। अब देखो हमारा वीडियो यहाँ पे आ गया। अब वीडियो देखो कितना नॉर्मल इंटरफेस है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप वीडियो का प्रिव्यू देख सकते हो जो आपने एडिट करा है या फिर कुछ भी, और यहाँ पर है आपका टूल। जो भी वीडियो एडिट करोगे, जो भी चीज़ इसमें ऐड करोगे, वो सारी चीज़ इस बटन सबसे होगा। अब यहाँ पर नीचे है आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब है जितने दूर तक आप जो भी ऐड करना चाहते हो, वीडियो को कट पिट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो मैं बहुत आसान क्यों कह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी वीडियो को आप एडिट करोगे तो उसका साइज़ दोगे, यानी फ्रेम सेट करोगे। आप किस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब के लिए बना रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम के लिए, या फिर फेसबुक के लिए, या फिर टीवी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए तो बना ही रहे होंगे ना, तो उसको आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पर देखो कैनवास पर मैं टच करूँगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कैनवास का। कैनवास पर टच करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम दे रखा है, आपको जिस भी चीज़ के लिए वीडियो बनाना है उस फ्रेम को आपको सेलेक्ट करना है। इंस्टाग्राम के ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हो गया रिले का, और ये हो गया वैसे नॉर्मल कॉमन वीडियो का। और वैसे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाओगे तो 16:9 का रेशियो आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला। अब सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक बार टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ देखो, ये वाला जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे ऐसे करके मैं भगा के दिखा रहा था। अब देखो यहाँ पे एक खंभा टाइप में एक लाइन बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेहेड। अब देखो इस तरफ का वीडियो, इस तरफ का वीडियो प्ले हो चुका है, और इस तरफ का वीडियो प्ले होना बाकी है। अगर मैं वीडियो प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये तो आपने देखा, इस तरफ जो वीडियो है वो प्ले हो करके और जा रहा है ना, और इस तरफ का जो वीडियो है वो प्ले होने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो एडिट करने वाले हैं ना, वो चीज़ आपको समझना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने बहुत सारे वीडियो लिया था, तो उसका जो टाइमलाइन है उसको हम छोटा करेंगे। तो दोनों तरफ से उंगली पकड़ के और ऐसे करके अगर आप छोटा करोगे तो आपका जो वीडियो का टाइमलाइन है वो छोटा हो जाएगा। ये देखो छोटा हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारा बहुत सारे वीडियो है, देखो ये वाला भी वीडियो है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो वीडियो का जो टाइमलाइन, जैसे जैसे वीडियो चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका टाइमलाइन भी चेंज हो रहा है। देखो ये वाला वीडियो है तो ये वाला कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो गया, है ना। उस तो इसी तरीके से आपको ये वाला दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ है ना। अब इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको इसको डिलीट कर देना है। तो इस पर आप एक बार टच कर दो, और इस तरफ आओगे तो आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखो डिलीट कर दो, है ना। ये मैंने पूरी वीडियो ही डिलीट कर दिया। आप यहाँ से बैक कर लूँगा। यहाँ से अगर आपने कोई गलती कर लिया तो यहाँ से आप रिड्यू कर सकते हो और अंडू कर सकते हो। यहाँ से रिड्यू और यहाँ से अंडू। तो मान लो मुझे ये वाला वीडियो डिलीट करना है, तो इस वीडियो पर मैं टच करूँगा और डिलीट के बटन पर टच कर दूँगा। ये देखो आराम से, कितना आसान है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वीडियो को आप डिलीट कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। अब देखो मान लो आपने एक वीडियो ले लिया पर आपको चाहिए दूसरी वीडियो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे टच कर दो। अब यहाँ पे देखो वीडियो एंड फोटो है, इस पर आप एक बार टच कर दो। देखो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर राइट चिन्ह लगा दो, है ना।
वैसे मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ। अब देखो वीडियो पे जब आप टच करोगे, देखो हमने इस वीडियो पे टच करा तो ये चारों तरफ से हाइलाइटेड हो गया है ना। अब ये सारे टूल भी इनेबल हो गया। अब देखो एक चीज़ है, सबसे पहली चीज़, अगर आप वीडियो को कट करना चाहते हो, यानी वीडियो को आगे वाला भाग को कट करना चाहते हो या फिर पीछे वाला भाग को कट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा वो है यहाँ पर, देखो कैंची का सीजर का निशान, इस पर आपको एक बार टच करना है। देखो जैसे ही टच करोगे ना, तो आपके सामने तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, एक है कट का और दूसरा है स्प्लाइट का और तीसरा है ट्रिम का। ट्रिम का मतलब है मान लो आपको आगे से वीडियो को डिलीट करना है इतने पार्ट को, तो अब आप क्या करोगे, ये वाले इस तरीके से जितने दूर तक आपको चाहिए वहाँ तक लेके जाओगे और यहाँ पे राइट कॉर्नर पे एक बार आपको टच कर देना है। वैसे ही आपको पीछे से अगर आपको वीडियो डिलीट करनी है तो यहाँ ऐसे करोगे और ऐसे ट्रिम कर दोगे, ये दोनों पार्ट जो है ना वो डिलीट हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर टच कर दिया, ये दोनों पार्ट गायब हो गया। अब फिर से मैं वीडियो पर टच करूँगा, फिर से सीजर के निशान पर टच करूँगा, तो फिर से दो ऑप्शन और हमारे पास हैं, एक है कट का। अब कट पे जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये काम क्या करता है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी पूरी वीडियो है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वीडियो के मिडिल पार्ट, बीच का पार्ट जो है उसको मैं डिलीट करूँ, तो कैसे करूँगा? तो ये तो वैसे पूरी वीडियो है, अब मान लो मुझे इधर से इतना चाहिए और इधर से इतना चाहिए और बीच का जो पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इतना छोड़ दूंगा, देखो इतना छोड़ दूंगा, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो मैं इतना छोड़ के और यहाँ पर राइट टच कर दूंगा, ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक और इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर टच किया, अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो हमारा कट हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे वीडियो कट हुआ, हमने तो देखा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो वीडियो के बीच में एक बॉक्स टाइप का बन के आ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इस पर आपको एक बार टच करना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसका टाइमलाइन जो है छोटा है, अगर बड़ा करना चाहोगे तो इस तरफ से दोनों तरफ से उंगली को बाहर लेके जाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक कट का निशान भी है और एक इस तरीके से बॉक्स भी है। अब मान लो ये वीडियो है, अब हमने प्ले किया, अब देखो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ये वीडियो स्टार्ट होगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपके बीच में कुछ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे आपको एक बार टिक कर देना है। इस बॉक्स पे जैसे ही टिक करोगे तो देखो बहुत कमाल कमाल का है, देखो ये वाला है, देखो कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा, कुछ इस तरीके से होगा या फिर कुछ इस तरीके से भी होगा, ये देखो है ना। तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट, बहुत कमाल का है, अगर आप अपने वीडियो में लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो, ये देखो है ना। इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हो, ये देखो कुछ इस तरीके से है ना। मान लो मैं इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ये वाला वीडियो जैसे स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट करे, तो हमें क्या करना है, इसको आपको सिंपल छोड़ देना है ऐसे करके। अब देखो अगर मैं वीडियो प्ले करूँगा तो देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये वीडियो ख़त्म हुआ और ये वीडियो जैसे स्टार्ट हुआ तो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट किया, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट, और ये बनाना बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हो। अब कैसे बना, आप वीडियो को कट कर दो या फिर वीडियो के बीच में दूसरी वीडियो आप एडिट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, ये भी बताना भाई बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। मान लो मैंने प्लस के आइकन पे टच किया और एक वीडियो मैं ले लिया, कोई सा भी, ये वाला वीडियो हमने ले लिया और राइट चिन्ह टच किया। अब देखो जहाँ पे मैं ये वाला प्ले हेड है ना वहाँ पे लेके जाऊँगा और जहाँ पे मैं छोड़ दूँगा वहाँ पे आ जाएगा। देखो इस वीडियो पे हमने टच किया, ये कबूतर की जो वीडियो है उस पे, अब इसको मैं पकड़ के दो सेकंड तक और इसको आगे की तरफ लेके गया तो देखो ये आगे की तरफ आ गया है ना। तो अब क्या हुआ, हमारा ये वाला जो वीडियो है वो आगे आ गया और ये वाला जो पीछे आ गया, वैसे मैं इसको पीछे लेके जाना चाहूँ तो पीछे ले जा सकता हूँ है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टच कर दूंगा और इसको पीछे ही छोड़ दूंगा तो ये पीछे आ जाएगा। अब मुझे इसको आगे लेके जाना है तो इसके लिए पकड़ूंगा और इस तरीके से आगे लेके आ जाऊँगा है ना। तो इस तरीके से वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो आप है ना, तो ये कमाल का है और मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए। अब मैं इस पर टच करूंगा और यहाँ पे डिलीट का बटन है, डिलीट कर दूंगा। अब देखो वीडियो के यानी वीडियो में जो मेन साउंड है, जो आपने वीडियो रिकॉर्ड करा है, उस वीडियो में अगर साउंड आपको लग रहा है कि कम है तो उसको आप कैसे बढ़ाओगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पर टच करना है और इधर लेके आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम पर टच कर दो और इस तरफ फुल कर दोगे 200 तो आपका जो मेन साउंड होगा उससे थोड़े से ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो ये है वॉल्यूम का, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये तो हो गया नॉर्मल आपके वीडियो पर, आपके वीडियो में बैकग्राउंड साउंड या फिर आप कह लो तो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर म्यूज़िक पर टच करना है। म्यूज़िक
पे टच करोगे तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड, अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो तो वॉइस ओवर भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिकॉर्ड का बटन दे रखा है, रिकॉर्ड पे आपको नॉर्मल टच करना और 1, 2, 3 तक होगा और रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखो ये वाला जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है, ये वाला है ना। अगर आप इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बशर्ते मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो एक चीज़ और है, रिकॉर्ड हमने करना सीख गया, अब इफ़ेक्ट है। अब मान लो इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इफ़ेक्ट देखो किसी भी तरीके का साउंड हो, जैसे कि किसी को हम थप्पड़ मार रहे हैं तो वो वहाँ पे जो ओरिजिनल साउंड होता है थप्पड़ मारने का, वो साउंड तो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा। पर आप अगर चाहो तो म्यूज़िक लगा सकते हो, इफ़ेक्ट लगा करके थप्पड़ मारने का साउंड उसमें लगा सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे साउंड है, जैसे कि आप थप्पड़ मारने का, चलने का, हंसने का, रोने का, है ना, बहुत सारे साउंड है। तो यहाँ पे आप जाओगे सारे को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वैसे अगर आपके फ़ोन में कुछ साउंड है, जैसे कि मान लो ये वाला है, तो जैसे कि ये साउंड है, तो इस साउंड को अगर मैं लेना चाहूँगा, जो हमारे पास म्यूज़िक है वो सारे के सारे आपको माई म्यूज़िक में दिख जाएगा। तो मान लो मैं कुछ साउंड लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रैक पर जाना है और यहाँ पे जो भी हमें माई म्यूज़िक में चाहिए उसको मैं टच कर दूंगा। ये देखो इसको मुझे लेना है तो यूज़ पे मैं टच कर दूंगा। अब हमारा ये यहाँ पे आ गया, अब मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ। अब यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, वैसे अभी इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर आप इसको कम करना चाहते हो तो वॉल्यूम पे टच कर दो और यहाँ पे देखो 100% इसको 20 या फिर 7-10 पे ऐसे करके ला के रखो। देखो बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा रहे हो तो ये ऐसे करना, ठीक है, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो मान लो मैंने ये वाला म्यूज़िक इसमें ऐड कर दिया, ओके। अब देखो इसमें क्या है, वीडियो के ऊपर कुछ और लगाना चाहते हो, यानी वीडियो के ऊपर वीडियो या फिर वीडियो के ऊपर फोटो या फिर वीडियो के ऊपर टेक्स्ट, यहाँ पे तो कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पिप का, PIP, इस जगह पे है ना। अब इस पे आप जैसे ही टच करोगे तो आपके पास दो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वीडियो लगाना चाहते हो तो वीडियो पे टच कर दो, फोटो लगाना चाहते हो तो फोटो पे टच कर दो, वैसे ऑल लगाना चाहते हो तो ऑल पे टच करके। अगर आपको मान लो आपको अगर वीडियो चाहिए, वीडियो के ऊपर वीडियो, मान लो मुझे ये वाला वीडियो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा उस वीडियो पर टच किया। आप देखो यहाँ पर मैं जहाँ पर भी लाना चाहूँगा ला सकता हूँ। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको गौर से समझना है। देखो वैसे तो ये वीडियो है नॉर्मल, ठीक है, अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो दोनों वीडियो प्ले होगा, है ना। पर मैं मुझे चाहिए कि ये वाला जो वीडियो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए, है ना, कुछ दूर चलने के बाद। तो मैं कैसे करूँगा, तो देखो वीडियो पर मैं टच करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्म का, है ना, यहाँ पे उस पर आपको एक बार टच कर देना है। और यहाँ पे टच करने के बाद में देखो यहाँ पे एक टिक लग जाएगा इस वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो को हमने अभी लिया है उस वीडियो के ऊपर टिक लग जाएगा। अब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और मैं चाहता हूँ यहाँ तक प्ले होने के बाद में ये वाला जो वीडियो है वो यहाँ आ जाए, तो अब क्या होगा, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक टिक लग गया। फिर मैं चाहता हूँ थोड़ी दूर और आगे बढ़ाऊँ और इसको नीचे की तरफ लेके आ जाऊँ, तो ये देखो अब नीचे ऑटोमेटिक यहाँ पे लाने के बाद ऑटोमेटिक टिक यहाँ पे लग गया। अब अगर आप वीडियो प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, तो ये देखो है ना कमाल का। इस तरीके से आप चाहो तो इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। अब देखो इस पर आप जब टच करोगे तो 2-3 आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो एक तो है एडिट का, एडिट पर हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर है एक क्रोमा का, क्रोमा का मतलब है बैकग्राउंड, अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है और मैं चाहता हूँ इसको रिमूव करना, तो कैसे करूँगा, तो क्रोमा पे मैं टच कर दूँगा। अब देखो ये वाला पेंसिल पे आपको एक बार टच कर देना है, टच करने के बाद में यहाँ पे देखो जिस भी जगह पर लेके जाओगे उसका कलर ये चेंज कर देगा। जैसे कि मैं अगर इस शेर के ऊपर लेके जाऊँगा तो देखो शेर का ही कलर चेंज कर दे रहा है, इसके परछाई के ऊपर लेके गया तो परछाई का कलर चेंज कर दे रहा है, पर मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर लेके गया ये बीच वाला जो सिंबल है तो देखो इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया इसने। अब अगर मैं वीडियो प्ले करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, तो ये काफी कमाल का है, अगर आप इसको यूज करना चाहोगे तो कर सकते हो। अब मान लो आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे हमने इसमें किया है वैसे आपको भी कर लेना है। अब देखो और भी चीज़ें हैं इसमें, अगर सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, स्लो मोशन और फास्ट मोशन। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्पीड का, स्पीड पे टच करोगे तो यहाँ पे देखो नॉर्मल स्पीड वैसे तो ये रहता है, लेकिन अब देखो मैंने इसका स्पीड बढ़ाया तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। तो अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो इस तरफ लाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और इस तरफ लेके आओगे तो स्लो मोशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन भी लगा सकते हो।
पर ये तो मैंने जो बताया वो सिर्फ वीडियो के ऊपर, वीडियो यानी जो था उसके ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो ये हो गया हमारा मेन वीडियो और ये जो है वो हमारे वीडियो के ऊपर वीडियो है। तो मेन वीडियो को छेड़खानी आपको करनी है तो इसको छेड़खानी करने के लिए आपको यहाँ पे टूल दिया हुआ है, पर आप वीडियो के ऊपर वीडियो जो लगा रहे हो ना उसको अगर छेड़खानी करनी है तो आप वहीं पर कर सकते हो जहाँ पर हमने किया है। अब देखो मान लो मेन वीडियो के ऊपर अगर आप स्लो मोशन फास्ट मोशन करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे टूल दे रखा है, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन से टूल किस काम का है। जैसे मान लो वीडियो को क्रॉप करना है तो यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से अगर क्रॉप करना चाहूँगा तो इस तरीके से भी क्रॉप कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमने टच किया, अब ये देखो वीडियो क्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हो और यहाँ पे देखो स्पीड का ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है मेन वीडियो के लिए। अब मेन वीडियो पे मैं टच करूँगा तो अगर स्लो मोशन फास्ट मोशन करना है तो देखो ये फास्ट मोशन हो गया और इस तरफ आपका ऑप्शन देखो स्लो मोशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को स्लो मोशन और फास्ट मोशन भी कर सकते हो। वैसे तो मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था लेकिन फिर भी लंबी बन गई है। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे वीडियो के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे टच करोगे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, एग्जांपल के लिए सतीश कुमार। अब यहाँ पे मैंने सतीश कुमार टाइप किया तो देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। याद रखना आप एक बार ही इसको एडिट कर सकते हो, दोबारा से अगर आप यहाँ पे राइट टिक कर दिए तो दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे एडिट, एडिट पे आप टच करोगे तो यहाँ पे देखो डबल ए का ऑप्शन दे रहा है और कलर का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको अगर अपने वीडियो का फॉन्ट चेंज करना, यानी अपने वीडियो के ऊपर टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो डबल ए पे आप टच करोगे और यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, ठीक है। तो जब मान लो मुझे ये वाला रखना है तो ये वाला मैं रख दूंगा, है ना। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर पे टच करोगे और बहुत सारे कलर है, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर रख सकते हो। वैसे इसमें कुछ फ्रेम भी बना के दे रखा है, अगर आपको फ्रेम चाहिए इसमें से तो आप ले सकते हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने वीडियो में, ठीक है। वैसे नॉर्मल ब्लैंक कलर चाहिए तो ब्लैंक भी ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे रखा है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ दे रखा है, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो और यहाँ से अगर बीच का जो स्पेस है उसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो और यहाँ से भी आप चाहो तो इसको टिंट कर सकते हो, है ना। अब यहाँ से फेड इन फेड आउट का भी चीज़ दे रखा है, जैसे कि ट्रांसफॉर्म की फ्रेम मैंने आपको बताया, जब ये टेक्स्ट आने का टाइम होगा तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन क्रिएट करेगा। ये लूप है, ये हमेशा चलता रहेगा और ये वाला जो है वो बेसिक है, यानी बेसिक का मतलब इन और आउट समय। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है इन और आउट, आउट पे अगर आप टच करते हो तो ये जब जाने का टाइम होगा, जैसे मान लो मुझे 5 सेकंड तक रखना है तो 5 सेकंड के बाद में मुझे ऐसा होगा, ठीक है। अब जब ये आएगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। अब ये मान लो मुझे 5 सेकंड तक इसको लूप रखना है तो ऐसे ऐसे ये करता रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे। अब मैं यहाँ पर टिक कर दिया, अब इसका जो टाइमिंग है वो मैं मात्र 5 सेकंड का रख दूँगा। अब ये आपको क्या दिखाई देगा वो आप चेक करके देखो, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, राइट टिक कर दिया। अब इसको मैं एडिट भी नहीं कर सकता, जो हमने एक बार इसमें सेव कर दिया वो अब ये एडिट नहीं होगा। अब अगर मैं वीडियो प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है, है ना। तो इस तरीके से आप वीडियो एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे सेव के बटन पे जाओगे तो सेव पे टच करोगे तो यहाँ पे देखो रेजुलेशन कह रहा है, फ्रेम रेट कह रहा है और कितने एमबी का होगा वो चीज़ बता रहा है। तो आप अगर इसको 30 फ्रेम रेट में रखना चाहते हो 1080 पिक्सल में, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो 1080 पिक्सल बहुत बढ़िया है। आप सेव पे टच कर दोगे तो वीडियो आपके फ़ोन में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।